सा सुमा, आप कुछ कह रहे थे? अरे बेटा, आप नए नए आए हो, आपको सुबह सुबह बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद देना चाहिए। अच्छा, आई सासुमा। कह तो ऐसी रही है जैसे सारी जायदाद मेरे नाम पर रही हो। क्यों रे? आ गई नहीं सासुमा? आजा मेरी बच्ची, आजा। अरे मेरी बच्ची खूब काम करे, तेरे हाथ का खाना सबको पसंद आए। तू सुबह सुबह उठकर सबको अपने हाथों से बना के चाय पिलाए। अरे सासुमा, बस इतना काफी है मेरे लिए। बेटी, तुम्हें चांद सा बेटा हो। पर बेटा, चांद तो मेरे लिए मेरे वो हैं। अच्छा सासुमा, इसलिए बेटी तेरा बेटा चांद नहीं सूरज हो। हाँ हाँ सासुमा, मैं समझ गई। ये बात, मेरी बहू तो बहुत ही समझदार है। मुझे तो लगा मेरा बेटा बहुत तेज है, पर मेरी बहू तो बहुत तेज है। अरे मम्मी, तुम इसकी तारीफ कर रही हो और मेरी टांग खींच रही हो। जवान चलने लगी तेरी, अपने पापा को देखा है कितने शांति से रहते हैं मेरे साथ। और तू अपने को देख, कुछ बताओ इनके बारे में। हाँ बेटा, क्या बताऊँ उसके बारे में, एक नंबर का छिछोरा था। अच्छा सासुमा, बस बस बहुत हो गया आज के लिए, मेरे लिए कोई चाय भी बना दो। बहू, तू नहीं बनाएगी भी चाय? मैंने तो पी ली अपनी, और तू अपनी बना ले चाय। ये भी मेरे को बनानी पड़ेगी। सासुमा, ससुर जी कहाँ है? बेटा, वो तो सुबह सुबह पार्क जाते हैं। अच्छा? हाँ बेटा, उनको ना बदहजमे की प्रॉब्लम है। अच्छा जी, क्या बताऊं बहू मैं तुझे, अब तो मुझे रात भर धमाकों की आवाज़ सुनकर भी बुलेट बम की आवाज़ भी धीमी लगती है। अच्छा जी। बेटा, बहुत बात हो गई है, आज मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी सासुमा? बेटा, आज से ये घर तेरा है, इस घर की सारी चीज तेरी है, बस एक चीज मेरी है जब तक मैं जिंदा हूँ। कौन सी सासुमा? ये तिजोरी की चाबी तेरे ससुर जी ने दी थी मेरे को संभाल के रखने को। हाँ सासुमा। कोई नहीं, जब भी आपको इस जिम्मेदारी से हटना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, जब तक मेरी सास है तब तक तो मुश्किल है। हाँ सासुमा। आप ज्यादा दिन के मेहमान थोड़े ना हो। अरे बेटी, क्या सोचने लग गई तू? और हाँ, तेरी चाय बनी कि ना बनी अभी तक? हाँ बन गई है, टेंशन मत लो। हाँ बेटा, कुछ दिन की बात है, फिर तो किचन तुझे ही संभालना है। हाँ हाँ, जरूर करूंगी, काम करे मेरे दुश्मन। शाबाश।